साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो बेटा, इस सवाल में केवल त्रिकोणमिति का ही खेल है। जो लोग त्रिकोणमिति का बढ़िया पकड़ रखते होंगे उनको यह सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसकी 4 घात पर स्क्वायर, इसकी 4 घात पर स्क्वायर लिख दो ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो ना। बटे के नीचे वाला जो मैटर है साथ साथ चलता रहेगा, एक समय आएगा कि साथ छोड़ देगा, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ऊपर अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, एक तो होगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और एक ऐसे होगा साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4। इसको भी हम स्क्वायर का स्क्वायर जब बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, ज़रा देखो ध्यान से, ठीक है। तुम लोग समझदार हो, कक्षा 11 में खूब मेहनत से पढ़े हो। नीचे हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इधर लिख देंगे डी एक्स। अब ज़रा देखो, दो ब्रैकेट में आता है, एक यही चीज़ और एक यही चीज़ आता माइनस में, तो जो माइनस में आता है उसको मैंने दो ब्रैकेट में फिर तोड़ दिया। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं आगे पीछे लिख देता तो क्या हो जाता, कॉस 2x। केवल इसको छेड़ना है, इसको छेड़ते हैं, ये स्क्वायर का स्क्वायर बना दो, इसको ऐसे बनाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आपको समझाने के लिए कि हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन कॉस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इतना किस में से निकल गया, इस ब्रैकेट में से इतना निकला फार्मूला बन करके, ठीक है। अब आगे क्या है, ये तो हो गया 1 का गुणा इसमें हो गया ख़त्म, और ये क्या चीज़ है, ये है माइनस कॉस 2x, ये जो चीज़ है ये क्या है, माइनस कॉस 2x अपान में जो चीज़ मैं शुरू से लिख रहा हूँ वही चीज़ नीचे अभी भी लिखूँगा। ज़रा इस पर विचार करो, ये क्या हो गया 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में कॉस 2x माइनस का है रहने देता हूँ, नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। मैंने बोला था कि एक समय आएगा ऐसा कि ये साथ छोड़ देगा, तो देखिए ये इससे कट जाएगा तो ये अब साथ छोड़ देगा, केवल बचेगा माइनस कॉस 2x डी एक्स। कॉस 2x का समाकलन क्या होता है, साइन 2x 2 भी आ जाएगा बटे में प्लस सी, तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे माइनस 1/2 साइन 2x प्लस सी, शायद यही इसका खूबसूरत आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है। अब आगे का सवाल अगले पार्ट में।